स्टूडेंट्स एग्जाम्पल फाइव को हम सॉल्व करते हुए देखेंगे कि आयन इलेक्ट्रॉन मैथड को यूज करते हुए हम किस तरह से बेसिक मीडियम में रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने आयन इलेक्ट्रॉन मैथड के रूल्स पढ़े थे जिसको फॉलो अप करते हुए हमने एसिडिक मीडियम में रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस किया था आज हमारा फोकस है बेसिक मीडियम में रिडॉक्स रिएक्शंस को हम किस तरह से बैलेंस करेंगे स्टूडेंट्स इस लेक्चर को सुनने से पहले आप उन रूल्स को रिवाइज कर लें ताकि आप आज के लेक्चर को बेटर अंडरस्टैंड कर सके जिस स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल फाइव क्या है बैलेंस द फॉलोइंग इन बेसिक बाय आयन इलेक्ट्रॉन आलेक्ट्रॉन देखें एग्जाम्पल से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हमारा जो सोल्यूशन है उसका मीडियम जो है बेसिक है ठीक है स्टूडेंट तो सबसे पहले हमारे पास जो रूल था जो स्टेप था कि हम अपनी इक्वेजन में देखते हैं कि कौन से ऐसे आइन्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन uh, स्टेट जो है ड्यूरिंग द रिएक्शन चेंज हो रही है ठीक है सिर्फ हम उन सिलेक्टिव आइंस को सिलेक्ट करते हैं और स्केलेटल इक्वेजन राइट करते हैं ठीक है तो सबसे पहले ये हमारे पास जो इक्वेजन है हम देखेंगे कि रिएक्टेंट्स में कौन से ऐसे आइंस हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी हम उन्हें कंसिडर करते हैं आइन इलेक्ट्रॉन मैथड में तो यहाँ पर आप एम एन ओ फोर माइनस वन यहां पर देखें तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव सेवन है ऑक्सीजन माइनस एट है और ओवरऑल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है माइनस वन है इसी तरह से नेक्स्ट आयन है सी टू ओ फोर माइनस टू स्टूडेंट्स यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव थ्री है नंबर ऑफ एटम्स टू है और इसी तरह से माइनस एट ठीक है वाटर में यहां पर पॉजिटिव टू एंड माइनस टू इक्वल टू जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन जो है माइनस फोर है मैगनीज प्लस फोर है यहाँ पर भी ऑक्सीजन माइनस फोर है क्योंकि दो एटम्स हैं और यहाँ कार्बन प्लस फोर है अगेन यहाँ पर ओवरऑल माइनस वन चार्ज है और इस तरह से माइनस टू और पॉजिटिव वन जब आप माइनस टू पॉजिटिव वन कहेंगे तो आपके पास ओवरऑल क्या आ जाएगा माइनस वन चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट्स अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है तो आप यहाँ पर देखेंगे मैगनीज बिफोर द रिएक्शन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है पॉजिटिव सेवन है यहाँ जाके आफ्टर द रिएक्शन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी पॉजिटिव फोर इट्स मीन पॉजिटिव सेवन से पॉजिटिव फोर जाते हुए इसकी रिडक्शन हुई है जबकि आप यहाँ पर सी टू ओ फोर माइनस टू आइन में कार्बन के एटम को देखें तो कार्बन यहाँ पर रिएक्टेंट्स में पॉजिटिव इसका ऑक्सीडेशन नंबर है जबकि आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है पॉजिटिव इट्स मीन के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है पॉजिटिव थ्री से पॉजिटिव फोर में गया है तो कार्बन की क्या हो गई है ऑक्सीडेशन ठीक है तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि हमारे पास MnO4 एन ओ फोर माइनस वन सी टू ओ फोर माइनस टू रिएक्टेंट्स में वो आयन है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है ठीक है आप देखें यहाँ ऑक्सीजन वाटर के ऑक्सीजन की माइनस टू है इधर भी माइनस टू है हाइड्रोजन पॉजिटिव वन इधर भी पॉजिटिव वन बाकी आइंस जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही हम उन्हें कंसीडर नहीं करेंगे ठीक है और यहाँ पर एम एन ओ एम एन ओ टू और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इनको हम कंसिडर करते हुए अपनी स्केलेटल इक्वेजन कुछ इस तरह से मैंशन करेंगे एम एन ओ फोर माइनस वन प्लस सी टू ओ फोर माइनस टू एम एन ओ टू और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपकी क्या बन गई स्केल्टर इक्वेजन अब स्टूडेंट्स हमने इसमें से देखना है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सा है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सा है यानी किस आयन की ऑक्सीडेशन हो रही है किसके रिडक्शन हो रही है हम उसको हाफ ऑफ करके लिख देंगे ठीक है हमने कहा था कि कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज uh, हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में सी टू ओ फोर माइनस टू गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन हाफ में क्या लिखेंगे एम एन ओ फोर माइनस वन विल गिव मैगनीज ऑक्साइड ठीक है हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन मेंशन कर दिए स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप था कि जब आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर लें इनको सेपरेट करके लिख लें फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास टू बैलेंस द एलिमेंट्स ठीक है एलिमेंट्स में स्टूडेंट्स आपको याद हो हमने तीन बातें की थी कि एलिमेंट्स में अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो भी एलिमेंट होगा उसके नंबर ऑफ एटम्स को हम बैलेंस करना चाहेंगे और अगर आपकी आइंस के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी हम बैलेंस करेंगे हमने ये कहा था कि ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या चीज एडअप करवाएंगे स्टूडेंट्स अगर एसिडिक मीडिया था तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या लिखते थे वाटर मॉलिक्यूल लिखते थे और रिस्पेक्टिवली हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब आपने एसिडिक मीडिया में ये एसिडिक मीडिया की बात हो रही है लास्ट लेक्चर में एसिडिक मीडिया में हमने कहा था कि अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हम वाटर ऐड करेंगे और वाटर को बैलेंस सॉरी हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उसके रिस्पेक्टिवली हम प्रोटॉन्स अप करते हैं, जबकि बेसिक मीडिया में इस तरह से नहीं है बेसिक मीडिया में स्टूडेंट्स जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं हाइड्रोक्सिल आइंस ऐड करेंगे ठीक है और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फिर आप वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स ये छोटा सा डिफरेंस है एसिडिक मीडिया और बेसिक मीडिया ये जो मैंने क्राइटेरिया लिखा है दैट इज फॉर बेसिक मीडिया हमारा आज का लेक्चर इस पे फोकस होगा और आप देखेंगे कि हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोक्सिलाइंस मेंशन करेंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स की हेल्प लेंगे ठीक है तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप को जो कि बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट्स है उसको देखते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन इनकी दो पार्ट्स बना लेते हैं ताकि हम इन्हें आसानी से बैलेंस कर सके ठीक है यहां पर हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन ठीक है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हम अपना रिएक्शन मेंशन कर लेते हैं हमारे पास है सी टू ओ फोर माइनस टू विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमारे पास है एम एन ओ फोर माइनस वन एम एन ओ टू हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है ठीक है स्टूडेंट्स अब होगा क्या कि सबसे पहले हमने एलिमेंट को बैलेंस करना है कार्बन डाइऑक्साइड को देखें यहाँ कार्बन uh, कितने आइटम्स है टू आइटम्स है यहाँ पर सिंगल आइटम है तो सिंपली हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर टू लगा देंगे तो क्या हो गया है कि कार्बन भी बैलेंस हो गए हैं और साथ ही साथ देखें कि आप ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो है टू टू फोर हो गए हैं और यहाँ पर भी ऑलरेडी फोर है इट्स मीन के कार्बन को बैलेंस करने से ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुका है ठीक है स्टूडेंट्स इसका मतलब हमें इसके ऊपर मजीद जो है वर्कअप करने की जरूरत नहीं है

हमें कितने ऑक्सीजन चाहिए थे उतने ही हम हाइड्रोक्सी लाइन एड करेंगे हमें यहाँ पर टू ऑक्सीजन थी टू की कमी थी तो यहाँ दो हाइड्रोक्सी लाइन हम ऐड करेंगे अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडिया में हम क्या करते हैं दूसरी तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करवाते हैं स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखें जब हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करवाया तो हमारी चीजें जो हैं वो बैलेंस नहीं रही ठीक है ऑक्सीजन यहाँ फाइव हो चुके हैं जबकि वहां कितने हैं फोर हैं ठीक है, है थीके? तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए और आ, क्या करना होगा कि मैं अगर हाइड्रोजन के साथ टू लगा दू तो आप, आप देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं सिक्स हो गए हैं और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए फोर हो गए तो फोर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम फोर हाइड्रोक्सी करेंगे फोर हाइड्रोक्सी किए तो फोर हाइड्रोजन हो चुके हैं और यहाँ पर भी फोर एंड टू प्लस टू सिक्स ऑक्सीजन एटम्स है ठीक है इस तरह चेंजेस करने से ऑक्सीजन भी बैलेंस होगी और हाइड्रोजन भी बैलेंस है ठीक है इक्वेजन बैलेंस है नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स हमारे पास था कि हमने चार्जेस को बैलेंस करना है ठीक है दोनों हाफ रिएक्शंस में हमने देखना है बोथ साइड्स पे चार्जेस सेम है यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स आपके पास लेफ्ट साइड पे चार्ज क्या है माइनस टू है जबकि राइट साइड पे चार्ज इज जीरो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल है चार्ज जीरो है तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि राइट right साइड पे टू इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे चले हम दोबारा से लिख लेते हैं सी टू ओ फोर माइनस टू टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमने क्या किए हैं टू इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से नेगेटिव माइनस टू चार्ज इधर आ गया है माइनस टू चार्ज दोनों साइड जो है वो बैलेंस हो गई हैं अब हम अपने रिडक्शन हाफ रिएक्शन की तरफ देखते हैं तो स्टूडेंट्स आप यहां पर देखें कि माइनस वन चार्ज इधर है जबकि यहां पर कितना चार्ज है फोर हाइड्रोक्सिलाइंस हैं तो चार्ज कितना है -4 -4 को हमने -1 uh, दोनों डिफरेंस डिफरेंट uh, हैं चार्जेस इधर -1 है और उधर कितना है -4 तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे थ्री इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो थ्री माइनस थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस फोर तो देखते हैं कि हम यहां पर हमने क्या किया है थ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवाए हमारे पास फर्दर इक्वेजन टू वॉटर मॉलिक्यूल्स प्लस एम एन ओ फोर माइनस वन मैगनीज ऑक्साइड फोर हाइड्रोक्सिल आइंस ठीक है तो ये हमारे जो नेक्स्ट स्टेप था इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स एड करने से दोनों तरफ चार्जेस जो है वो बैलेंस हो गए हैं अब माइनस थ्री इलेक्ट्रॉन्स का सॉरी थ्री इलेक्ट्रॉन्स का माइनस थ्री चार्ज और ये माइनस वन ये टोटल कितना हो गया है माइनस फोर और इस तरफ भी कितना चार्ज है माइनस फोर इक्वेजन बैलेंस है ठीक है स्टूडेंट्स अब ये दोनों जो हाफ रिएक्शंस हैं इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों इक्वेशंस में दोनों हाफ रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है सेम हो जाए तो हम क्या करेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू, टू इंटू थ्री सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और तो टू थ्री यहाँ पर भी रिडक्शन हाफ में भी सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ठीक है स्टूडेंट्स अब हमारा जो फाइनल स्टेप है कि हमने इन दोनों हाफ रिएक्शन को एडअप करना है ठीक है तो स्टूडेंट्स पहले हम इसको सॉल्व करते हुए यहाँ पर फाइनल एड add करेंगे एडिंग बोथ हाफ रिएक्शन ठीक है दोनों को एडअप करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये थ्री से मल्टीप्लाई करना है होल इक्वेशन को तो हमारे पास आएगी थ्री सी टू ओ फोर माइनस टू और कार्बन कितने हो जाएंगे सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन्स ठीक है अब हम इस इक्वेशन को मेंशन करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर सिक्स इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि टू से मल्टीप्लाई हो रहा है फोर वाटर मॉलिक्यूल्स टू एम एन ओ फोर माइनस वन और इसी तरह से स्टूडेंट्स टू एम एन ओ टू एंड एट हाइड्रोक्सिले एडअप करेंगे एड करने से देखेंगे कि सिक्स इलेक्ट्रॉन्स और सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आप सिंपल लिखेंगे हमारे पास फोर वाटर मॉलिक्यूल्स थ्री सी टू ओ फोर माइनस टू प्लस टू एम एन ओ फोर माइनस वन विल गिव टू एम एन ओ टू सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड एट हाइड्रोक्सिल आइंस ठीक है स्टूडेंट ये हमारी फाइनली बैलेंस्ड इक्वेजन आपके पास आ गई है ठीक है अब आप देखेंगे कि इसमें चार्जेज ऑन बोथ साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स सब क्या है बैलेंस्ड है आइए स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं ताकि हमारी मजीद प्रैक्टिस हो सके क्वेश्चन है उन आइंस को मेंशन किया गया है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो रही है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन तो स्टूडेंट्स हम ये देखने के लिए कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में कौन से आइंस हम लिखेंगे उसके लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर इनका मेंशन करते हैं कार्बन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है पॉजिटिव टू और नाइट्रोजन का माइनस थ्री है इसी तरह से स्टूडेंट्स ऑक्सीजन यहाँ पर माइनस एट है और यहाँ मैगनीज जो है प्लस सेवन है और यहाँ पर ऑक्सीजन का माइनस टू है नाइट्रोजन इज माइनस थ्री कार्बन प्लस फोर और इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास सिंगल uh, ऑक्सीजन का माइनस टू आता है तो माइनस फोर और यहाँ पर पॉजिटिव फोर हो जाएगा ठीक है ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने मेंशन कर दी अब आप देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर मैग्नीज़ पॉजिटिव सेवन से पॉजिटिव फोर में जा रहा है यानी इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आएगा साथ ही हम इसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन में लिख देते हैं एम एन ओ फोर माइनस वन एम एन ओ टू इज आवर रिडक्शन रिएक्शन और बाकी जो है सी एन माइनस वन विल गिव सी एन ओ माइनस वन ठीक है क्योंकि यहां पर कार्बन जो है प्लस टू था और यहां पर प्रोडक्ट्स में कार्बन जो है पॉजिटिव फोर हो गया है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ठीक है जब आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन देख लिए नेक्स्ट स्टेप है टू बैलेंस द एलिमेंट्स बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर कार्बन कार्बन बैलेंस है नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी बैलेंस है आ, दोनों के वन वन एटम्स है अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे हाइड्रोक्सिल है? लेफ्ट साइड पे तो लेफ्ट साइड पे आप स्टूडेंट्स कितने हाइड्रॉक्सिलइंस ऐड करेंगे क्योंकि एक ऑक्सीजन की जरूरत है तो एक हाइड्रोक्सिलइन आप ऐड करेंगे अब हाइड्रोजन को राइट right साइड पे बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे वाटर ठीक है जब हमने स्टूडेंट वाटर ऐड किया ऑन द राइट साइड तो हमने देखा कि यहाँ पर चीजें जो हैं रही। यहां है बैलेंस नहीं रहीं यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं टू हैं, यहाँ पर कितने हैं वन है ठीक है ठीके? तो यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने हाइड्रोक्सिल के साथ टू लगाया तो ऑक्सीजन यहाँ पर होगी टू और यहाँ पर भी टू तो ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड इक्वेशन इज बैलेंस्ड ठीक है रिडक्शन हाफ रिएक्शन में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ पर मैगनीज मैगनीज जो है वो बैलेंस्ड है ऑक्सीजन यहाँ फोर है यहाँ टू है राइट साइड right पे ऑक्सीजन कम है तो आप क्या ऐड कर देंगे हाइड्रोक्सिल आइंस ऐड करेंगे कितने हाइड्रोक्सिल आइंस चाहिए क्योंकि दो ऑक्सीजन आइटम कम है दो डालेंगे अब स्टूडेंट्स राइट लेफ्ट साइड पे क्या हो गया हाइड्रोजन बैलेंस नहीं रहा तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या ऐड किया वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखिए आपकी टू हाइड्रोजन आइटम्स तो बैलेंस हैं लेकिन ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम टू वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं अभी हमने यही पिछले रिएक्शन में भी किया था और यहाँ पर हम फोर हाइड्रोक्सी लाइन्स करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगी स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप था चार्ज को बैलेंस करने के लिए तो चार्जेस आप देखें टू हाइड्रोक्सी लाइन्स की वजह से यहाँ पर कितना चार्ज है माइनस टू और ये माइनस वन टोटल कितना चार्ज हो गया है माइनस थ्री इस तरफ देखें ओनली माइनस वन चार्ज इज प्रेजेंट तो हम क्या करेंगे माइनस थ्री चार्ज राइट साइड पे भी बनाने के लिए हम टू इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे हमारे पास इक्वेशन कैसे आ जाएगी टू हाइड्रोक्सिल लाइन प्लस सी एन माइनस वन ये मैं एक्स्ट्रा चीजें जो है रिमूव कर देती हूँ सी एन ओ माइनस वन वॉटर मॉलिक्यूल और हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं टू इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो हमारे पास जो दोनों तरफ जो है चार्जेस जो है माइनस थ्री आ जाएगा इधर भी माइनस थ्री है इधर भी माइनस थ्री है रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखेंगे हमारे पास यहां पर माइनस वन चार्ज है और इधर कितना चार्ज है माइनस फोर तो माइनस फोर को माइनस वन ये बैलेंस नहीं है बैलेंस करने के लिए हमें थ्री इलेक्ट्रॉन्स एड करने पड़ेंगे इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ठीक है बहुत आसान है ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन तो बिल्कुल जो हम लास्ट रिएक्शन करके आए हैं उससे बिल्कुल सिमिलर है ठीक है लास्ट स्टेप है स्टूडेंट्स कि हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोथ हाफ रिएक्शन में इक्वल करना है उसके लिए हम एक ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों हाफ रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाए सेम हो जाए तो आप सिंपल क्या करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे रिडक्शन हाफ को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट स्टेप आता है हमारे पास एडिशन ठीक है एडिशन ऑफ बोथ हाफ रिएक्शन जी किस तरह से ऐड करेंगे ये देखें स्टूडेंट्स थ्री से जब मल्टीप्लाई होगा तो सिक्स हाइड्रोक्सिल लाइंस आएंगे आपके पास और थ्री सी एन माइनस वन इसी तरह से थ्री सी एन ओ माइनस वन थ्री वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सिक्स इलेक्ट्रॉन्स ठीक है और नेक्स्ट आपके पास यह आ गई है सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं फोर वॉटर मॉलिक्यूल्स इसी तरह से टू एम एन ओ फोर माइनस वन क्योंकि टू से मल्टीप्लाई हुआ है टू एम एन ओ टू एंड टू एट एट हाइड्रोक्सिल आइंस ठीक है स्टूडेंट्स हम फर्दर इसको एडअप करेंगे सिंपल है सिक्स इलेक्ट्रॉन सिक्स इलेक्ट्रॉन से माइनस हो जाएंगे ठीक है अब आप यहाँ पर देखें कि इधर थ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है तो ये थ्री वाटर जो है फोर से जब हम इन्हें माइनस करेंगे एक वाटर मॉलिक्यूल आपके पास पीछे रह जाएगा यहाँ पर सिक्स हाइड्रोक्सिल आइंस है इस तरफ एट हाइड्रोक्सिल आइंस है तो स्टूडेंट्स आप सिक्स और एट को इस तरह से कैंसिल करेंगे तो आपके पास हाइड्रोक्सिल जाएंगे तो स्टूडेंट्स अब आप final add करेंगे अपनी uh, reaction को किस तरह से लिखेंगे One water molecule है, three cyanide plus two इसी तरह से यहाँ पर थ्री सी एन ओ माइनस वन प्लस टू एम एन ओ टू एंड टू है स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो लेफ़्ट और राइट साइड पे जो कट सकती थी उनको काटा मिनिमाइज करके हमारे पास जो फाइनल चीज़ आई है वो ये इक्वेजन है अब आप यहाँ इस इक्वेजन में देखें कि एलिमेंट्स भी बैलेंस हैं चार्जेस भी बैलेंस्ड हैं तो ओवरऑल आपकी जो इक्वेजन है वो बैलेंस है तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक एग्जांपल सॉल्व की है बेसिक मीडिया की और एक एक्सरसाइज की बेसिक मीडिया की एग्जांपल सॉल्व की है और हमने रिडॉक्स रिएक्शंस को आयन इलेक्ट्रॉन मैथड के थ्रू बैलेंस किया है आज का लेक्चर स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर खत्म होता है अपना बहुत सा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज